श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 5 अगस्त दिन शनिवार, सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पड़ रही है। इसके साथ ही अधिक मास चल रहा है, तो एक सरल सा उपाय बताने वाली हूँ। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कष्ट आ गए हैं, परेशानियां हैं, कोई अचानक से संकट पड़ गया है, या आपका कोई कार्य है जिसमें आप सफल नहीं हो पा रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पा रही, तो ये जो उपाय बताने वाली हूँ, केवल एक उपाय से आपके घर की सारी परेशानियां जो है वो दूर होंगी। तो उपाय कैसे करना है अच्छे से समझिएगा। केवल एक पान के पत्ते के साथ हमने ये उपाय करना है। आप सभी लोग इस उपाय को अवश्य अपने घर की सुख शांति के लिए चतुर्थी तिथि के दिन करें। आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, केवल एक पान के पत्ते के साथ हमने ये उपाय करना है। चतुर्थी तिथि का जो दिन होता है, ये भगवान गणेश को समर्पित होता है। तो इस दिन हम अगर भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं, भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय करते हैं, तो उसका हमें अति शीघ्र रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर आपके घर में कोई समस्या है, कोई आपके धन की समस्या है, नौकरी की समस्या है, कोई रोग कष्ट बीमारी है, या कोई आपका काम नहीं बन रहा, तो चतुर्थी तिथि के दिन शाम के समय आपने क्या करना है, एक पान का आपने पत्ता लेना है, उसके ऊपर आपने 5 सुपारी रखनी है, साबुत सुपारी रखी, और 5 ही आपने हरी इलायची आपने उसके ऊपर रख देनी है। फिर आपने शाम के समय प्रदोष काल में आपके घर के पास गणेश भगवान का मंदिर हो, या फिर जो है जब हम शिवालय जाते हैं तो वहां पर गणेश भगवान वो विराजमान होते हैं, तो वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपने क्या करना है, पान के पत्ते के ऊपर 5 सुपारी, 5 हरी इलायची रखकर आपकी जो भी समस्या है जीवन की, जो भी आपके ऊपर कष्ट चल रहे हैं या धन की समस्या है, तो वो आपने गणेश भगवान को आपने कहनी है, अपने मन की कामना करनी है, और ये आपने पान का पत्ता गणेश भगवान के चरणों में आपने समर्पित कर देना है। इसके साथ ही आपने एक घी का दिया आपने मंदिर में अवश्य लगा कर आना है। ऐसा करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा भी बढ़ जाती है, और घर में अगर कोई समस्या है तो वो भी दूर होगी, आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे, और जो आपके घर में गरीबी बढ़ गई है या फिर कोई बीमारी आ गई है तो उसका भी शीघ्र निवारण हो जाएगा। तो चतुर्थी तिथि के दिन गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक सरल सा उपाय अवश्य करें। महीने में 2 चतुर्थी पड़ती है, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, तो दोनों चतुर्थी को इस उपाय को करेंगे तो आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सरल सा उपाय है, अवश्य अपने घर की सुख शांति के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस उपाय को करें और इसका लाभ हासिल करें। मन में कोई भी प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय मां लक्ष्मी।